गाजर 1 किलो। गाजरें ली थी 1 किलो, इनको ऊपर से छील के अच्छी तरह धो के तो फिर कद्दूकस किया। आधा कप चीनी शामिल करेंगे, आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 लीटर दूध इसके अंदर शामिल करेंगे, फुल क्रीम। अब आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है और फ्लेम मीडियम रखनी है। मिक्स करते हैं। कुछ महीने पहले मैंने बनाया था बेकरी स्टाइल गाजर का हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त था, वो भी हलवा बनता है। अगर किसी से वो रेसिपी मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त था, वो भी हलवा बनता है। आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद। जी देखिए 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट के लिए मैंने गाजरों को ऊपर से कवर कर दिया था। ये देखिए गाजरें हमारी बिल्कुल टेंडर हो गई हैं, दूध भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। आप इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर देंगे बटर। हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। गाजरों को हमने हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए इसका ऑयल के ऊपर आ गया है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं बोल के अंदर। तो इसके ऊपर जो हमने खोया शामिल करना है उसका आपको बताते हैं। हलवे को बना के हमने दूसरी तरफ रख दिया है। तो पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम बंद है। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप भर के फुल क्रीम मिल्क पाउडर और साथ में शामिल कर देंगे आधा कप दूध। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम स्लो रखेंगे, मिक्स करते हैं। ये हम खोया तैयार कर रहे हैं, देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है, ज़्यादा आपने थिक नहीं रखना इसको। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, फ्लेम मैं इसकी बंद कर देता हूँ। इतने आपने इसको पकाना है, जब ये ठंडा होता है तो और थिक हो जाता है। खोया भी हमने बना के तैयार कर लिया था, देखिए कितना थिक हो गया है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आपने इसको इस तरह ऊपर फैला लेना है, स्लाइस में कटे हुए पिस्ते और बादाम। बादाम और पिस्ते शामिल कर दिए इसके ऊपर। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने दे रहे हैं, तो डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए हलवे को थोड़ी देर के लिए हमने सेट कर लिया था, फ्रिज के अंदर आपने इसको नहीं रखना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो जब आपने इसको डिश आउट करना है तो इस तरह आपने इसको सर्व करना है, इस तरह। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़।